दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 10 मार्च 2022 गुरुवार। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आज की महत्वपूर्ण भर्तियाँ बनती है उनकी अपडेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 10 मार्च 2022 गुरुवार की 5 बड़ी भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन भर्तियों के फॉर्म आप ऑल ओवर इंडिया से, भारत के किसी भी राज्य से भर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है, इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और सभी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, किन किन 5 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की यानी के 10 मार्च 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। सब इंस्पेक्टर SI की यहाँ पर पोस्ट है। वैकेंसीज की बात की जाए तो टोटल 444 वैकेंसीज निकली है। मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर इसमें 311 पद है, जबकि फीमेल या ट्रांसजेंडर के लिए 133 पद खाली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की स्टार्टिंग डेट 8 मार्च 2022 थी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 अप्रैल 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 अप्रैल 2022 है। सैलरी की बात की जाए तो 36,900 से 1,16,600 है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 20 से 30 वर्ष है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की जाए तो यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये है और जो यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बोथ ओपन कोटा और डिपार्टमेंटल कोटा के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 1,000 रुपये फ़ीस है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या कैश चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन, वाइवा वॉस और फिजिकल टेस्ट के आधार पर। बात अगर फिजिकल डिटेल की जाए तो आप यहां से मेल फीमेल वाइज फिजिकल की कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट में यहां पर हाइट की बात की जाए तो OC, BC, BCM और MBC या DNC के लिए 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है और 159 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है। SC, SCA, ST के लिए 167 सेंटीमीटर है मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। बात अगर चेस्ट की जाए तो यहाँ पर 81 बिना फुलाए फुलाने के बाद में 86 है ओनली मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसी तरह रनिंग देख सकते हो, मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 1500 मीटर 7 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। फीमेल या ट्रांसजेंडर को 400 मीटर की रेस 2 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। tnusrp.tn.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एक्साइज डिपार्टमेंट में। आबकारी विभाग के अंतर्गत एक्साइज सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली है। 87 वैकेंसी यहाँ पर इसके लिए निकली है। बात अगर इसकी इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो इस भर्ती के लिए स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 9 मार्च 2022 थी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 अप्रैल 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 8 अप्रैल 2022 है। फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट भी 22 अप्रैल 2022 है। सैलरी 15,000 रुपये है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 38 वर्ष इसके लिए यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। बात अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की जाए तो जनरल OBC के लिए 200 रुपये फ़ीस है। SC, ST, PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और PET फिजिकल के आधार पर। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। उड़ीसा जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी OSSC.gov.in जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है
वो निकली है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड में, शिक्षक भर्ती बोर्ड शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है, टीचर्स की भर्ती है। शिक्षक के लिए वैकेंसीज की अपडेट आप नोटिफिकेशन की पीडीएफ से चेक कर सकते हो। बात अगर इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 13 मार्च 2022 है, लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की भी 13 अप्रैल 2022 है। सैलरी की जानकारी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। बात अगर इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो 12th ग्रेजुएट DLED, BLED, DED, BEd और BSc Ed से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट मिनिमम 18 वर्ष है, अपर एज लिमिट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है अदर्स कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD के लिए 250 रुपये है, जो कि आप नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पे इसमें आपका चयन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। TRB.TN.NIC.IN ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर 4th नंबर पर जॉब निकली है, वो निकली है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में, IOCL के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, वैकेंसी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर इसमें बात की जाए तो स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 8 मार्च 2022 थी, लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की यहां पर 29 मार्च 2022 है, फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 29 मार्च 2022 है, हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट 9 अप्रैल 2022 है, रिटर्न एग्जाम की डेट 10 अप्रैल 2022 है। बात अगर इसके यहाँ पर सैलरी की जाए तो 25,000 से 1,05,000 सैलरी है प्रति माह के लिए। बात अगर क्वालिफिकेशन डिटेल की जाए तो डिप्लोमा इन केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 26 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल OBC WS के लिए 150 रुपये फीस है, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट आप SBI E-Collect से कर सकते हो। बात अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की जाए तो सिलेक्शन होगा इसमें आपका रिटर्न टेस्ट, स्किल या प्रोफेशनसी या फिजिकल टेस्ट के आधार पे ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। IOCL.com नेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली हुई है, वो निकली है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, पशुपालन विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। जी हाँ दोस्तों, बात अगर इसमें यहाँ पर पोस्ट की जाए तो पोस्ट है इसमें लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। टोटल 212 वैकेंसीज निकली है, लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है। यहाँ पर अब आप इस भर्ती के लिए 14 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 56,100 से 177,500 सैलरी है प्रति माह के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डिग्री इन वेटरनरी मेडिसिन और वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 19 से 38 वर्ष रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है, 19 से 43 वर्ष रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। एप्लीकेशन फीस की अगर इसमें बात की जाए तो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 394 रुपये फीस है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 294 है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या SBI चालान से ऑफलाइन भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम के आधार पे इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इस भर्ती के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। MPSC.gov.in एच की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की यानी के 10 मार्च 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी के लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके मन में अब भी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।